आईपीएल का 3500 मैच दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में दिल्ली टीम टॉस जीतकर हैदराबाद को बैटिंग करने के लिए बुलाया, लेकिन हैदराबाद इस मैच में भी अपने पुराने वाले रूप में नजर आई। 2024 के आईपीएल में हैदराबाद ने कुछ अलग ही करने की ठान रखी है। हैदराबाद के लिए इस मैच में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ओपनिंग की, और इन दोनों ने न सिर्फ ओपनिंग की बल्कि पावर प्ले में दिल्ली की टीम की धजे उड़ा दी। दोनों ने मिलकर पावर प्ले के 6 ओवर में 125 रन बना दिए। यह स्कोर आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। ट्रेविस हेड ने मात्र 32 बॉलों में 89 रन की पारी खेल दी। इसके साथ ही अभिषेक शर्मा ने भी 12 बॉलों में 6 रन की पारी खेली और टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 125 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दिल्ली के कुलदीप यादव ने आकर दिल्ली की वापसी कराई। कुलदीप यादव ने इस मैच में 4 ओवर में 55 रन लेकर 4 विकेट अपने नाम किए, और ये 4 विकेट हैदराबाद के मुख्य बल्लेबाजों के थे। लेकिन इसके बाद में हैदराबाद के शहबाज अहमद ने 29 बॉलों में 59 रन की पारी खेली, जिसके चलते हैदराबाद ने एक बार फिर से 20 ओवर में 266 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है, और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दिल्ली की ओर से परस्यूसा और डेविड वार्नर लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। इसके बाद जैक फ्रेशर ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। फ्रेशर ने मात्र 18 बॉलों में 65 रन बना दिए। जैक फ्रेशर की इस पारी के दम पे एक टाइम पे लगने लगा कि दिल्ली की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती है। अगर फ्रेशर 15-20 बॉले और खेल लेते तो यह लक्ष्य दिल्ली के लिए बहुत ही आसान कर देते। फ्रेशर के आउट होने के बाद में अभिषेक पोरेल ने भी 22 बॉलों में 42 रन की पारी खेली, लेकिन अभिषेक पोरेल के आउट होने के बाद में दिल्ली टीम की उम्मीदें टूट सी गई। इसके बाद में कप्तान पंत ने 35 बॉलों में 24 रन की पारी खेली, और इस तरह दिल्ली टीम 19 ओवर में 199 रन पे ऑल आउट हो गई, और हैदराबाद ने 67 रन से यह मुकाबला जीत लिया। हैदराबाद के ट्रेविस हेड ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी की, जिसके लिए ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।